दोस्तों सैमसंग काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है शाओमी को, रियलमी को एंड असूस जैसे ओनर जैसे स्मार्टफोन्स को कम्पीट करने के लिए। तो जैसे कि हम सभी को पता है सैमसंग की एम सीरीज आई थी, ठीक ठाक सीरीज थी, ऐसी सैमसंग एक और अपनी सीरीज लेकर आने वाला है। तो आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सैमसंग की ए सीरीज के बारे में। आखिर ए सीरीज में कौन कौन से स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे और कब तक इंडिया के अंदर लॉन्च होंगे और क्या क्या प्राइस होगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले थे। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मुझे मोटिवेशन मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के नए स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि सैमसंग की जो एम सीरीज आई थी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप किया गया था सैमसंग की तरफ से, और कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी रेडमी के नोट 7 को लेकर के, और अभी सैमसंग M20, M10 एंड M30 को लेकर के। तो ऐसे ही M30 तो अपकमिंग स्मार्टफोन आने वाला है, वो भी काफ़ी बेस्ट रहने वाला है अपने प्राइस के हिसाब से। बट उनको देखा जाए कंपटीशन के हिसाब से, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब अभी इतने कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। बट काफ़ी सारे लोगों को ओनली सैमसंग के ही स्मार्टफोन पसंद आते हैं, तो स्पेशली वो वाले लोग इन स्मार्टफोन्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है उनके लिए। वैसे रियल में ठीक ठाक स्मार्टफोन है, बेकार भी नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अभी आपको सैमसंग ए सीरीज देखने को मिलेगी, जो इन सभी स्मार्टफोन्स को, आसूस के, ओनर के, रियलमी के एंड जो ओप्पो वगैरह के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, उन सभी को कॉम्पीट करेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए सीरीज के अंदर भी आपको A10, A20, A30 एंड A40 का अभी कोई रूमर्स नहीं है, A50 वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, जिनका A50 होगा शायद से, उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाए। बट अभी के लिए बताया जा रहा है कि 3 स्मार्टफोन्स ही लॉन्च होंगे इंडिया के अंदर, जो कि A10, A20 एंड A30 होंगे, जिनके अंदर आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, और बताया जा रहा है कि ऑक्टाकोर प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन का नहीं होगा। आपको इस बार भी सैमसंग अपना इन सभी स्मार्टफोन्स का प्राइस कम करने के लिए, यहाँ पे आपको जो एक्सिनोस का 7885 वाला प्रोसेसर देगा, जो कि ऑक्टाकोर पर बेस्ड है। तो ऐसे में ये वाला प्रोसेसर भी काफ़ी ओवरऑल बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल इनकी प्राइसिंग रहने वाली है सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में और वाटरप्रूफ नोट्स के साथ में, डुअल कैमराज होंगे, यूएसबी टाइप सी पोर्ट आ सकती है, तो अभी इनके बारे में स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है, बट एक रूमर्स आ रहे हैं और लगभग 100% कंफर्म ही हो सकते हैं, 99% जो इनकी स्पेसिफिकेशन वो कंफर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, चाहे 10,000 के अंडर में आ सकता है A10, जिसके अंदर आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सैमसंग का जो A10 होने वाला है, उसका प्राइस फिर से 10,000 के अंडर ही देखने को मिलेगा, जो इसका प्राइस होगा आपको लगभग 8,000 रुपये की 7,990। और यहाँ पे अभी इस 8,000 के प्राइस रेंज में सैमसंग का एक और स्मार्टफोन आने वाला है, जो ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करेगा, जैसे कि कई सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन सामान परचेज करना नहीं आता आज भी इंडिया के अंदर, या फिर किसी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑफलाइन जाकर के परचेज कर पाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि Q1 के अंदर ही सैमसंग का A10, A20 एंड A30 वाले स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, और जैसे इनसे रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन न्यूज आती है, मैं आपको इस चैनल पर जरूर दूंगा। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था कि आपको बताना था कि सैमसंग की ए सीरीज आने वाली है, अभी वो ऑनलाइन को करेगी, ऑफलाइन को करेगी, जिनको ऑनलाइन लेने हैं वो ऑनलाइन लीजिए, वो भी काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है। बट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको सैमसंग की जो ये वाली सीरीज है, ए सीरीज, ये ऑफलाइन मिलेगी, और ये भी आ रहा है कि आप सैमसंग का A50 है, वहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, और सैमसंग का जो अच्छा वाला प्रोसेसर है 9610 इस 9160 वाला प्रोसेसर, मतलब कि एक्सिनोस 9 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा A50 के अंदर। तो देखने वाली बात रहेगी किस तरह से सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स को ऑप्टिमाइज करता है और किस तरह से मार्केट में लेकर आता है, किस किस प्राइस में लेकर आता है। अभी प्राइस तो यही है कि आपको इन्हीं सभी प्राइस रेंज में देखने को मिलेंगे, जो A10 होगा 2GB और 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आने की उम्मीदें हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे A20 एंड A30 की, तो यहां पर आपको 3GB एंड 4GB वाले मॉडल्स देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन्स में, और 64GB इंटरनल स्टोरेज दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में भी वार्डरोब नोच होगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि प्राइस को कम करने के लिए सैमसंग एम सीरीज के कंपेन में यहाँ बैटरी थोड़ी सी कम कर देगा, क्योंकि प्राइस भी तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बैटरी कम कर देगा,
बट एमोलेड स्क्रीन दे रहा है, वो भी एक बेनिफिट रहेगा, वहां पे बैटरी कम कंज्यूम होगी, तो यहाँ पर ओवरऑल ठीक ठाक रहेंगे ये वाले स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से भी। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार, इन स्मार्टफोन्स रेडेड, आप कितना एक्साइटेड हैं इन स्मार्टफोन्स को लेकर के, जो कि फेब के लास्ट तक भी लॉन्च हो सकते हैं या फिर मार्च में, तो 100% कंफर्म है कि ये लॉन्च होने ही होने हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो जाती है मैं आपको जरूर से प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना आपके हाथ में है, और इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।